दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यादव पब्लिक समाचार। मैं हूं संतोष जी और इस वक्त मैं हूं सदर हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं यहां पर एम्बुलेंस है लगी हुई और ये मेरी गाड़ी है कि हम भी आए थे इलाज कराने के लिए बच्चे का। आप देख सकते हैं अभी यहां पर जो है, उसके बाद ये आपको दवा काउंटर हो गया। जन औषधि केंद्र दवाएँ देख सकते हैं। अभी हम हैं राघोपुर हॉस्पिटल में और अभी कुछ काम से मैं आया था, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉस्पिटल, सारी गार्ड सारी व्यवस्थाएँ आप देख रहे होंगे। क्योंकि मैं भी बच्चे को इलाज कराने के दरमियान आया था तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए और ये सारी व्यवस्था। मैं आपको चलिए काउंटर भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं आशा दीदी का मीटिंग भी हो रही है। ये काउंटर है, मीटिंग वगैरह भी चल रही है, आशा दीदी और का मीटिंग भी चल रही है। जो भी बातें हैं ये आपको काउंटर हो गया, ये काउंटर हो गया जहाँ पुर्जा कटता है। मैं आपको दिखाया ये सदर अस्पताल हॉस्पिटल का, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरे, अब देख रहे हैं यहाँ पर आम सूचना लगा हुआ है। अभी एक्सरे लगभग एक्सरे जो है बंद है लगभग 6 महीने से, देखते हैं बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है हम आपको ये गेट का नज़ारा दिखा रहे हैं सदर हॉस्पिटल, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये गेट हो गया, उसके मैं आई आपको डायरेक्ट गेट का जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अभी देखिए इसमें साफ सफाई हो रही है और आपको मैं सदर अस्पताल का गेट का वीडियो दिखाने वाला है। आप देख सकते हैं मैं अभी गेट पर हूँ और यहाँ पर जो है आप गेट का, उसके बाद यहाँ आप मार्केट में जा रहे हैं देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको फिर सदर हॉस्पिटल पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं। हॉस्पिटल का वीडियो ये आज मौका मिला क्योंकि हमारी बच्चे का भी इलाज हुआ है आज, तो क्योंकि बहुत सारी दवाइयां है, बहुत सारी दवाइयां नहीं भी है, एक्सरे भी बंद था जो मैं आपको दिखाया। तो ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाइए।